एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि ईद उल अदा आने वाली है, तो मैंने सोचा कुछ उससे रिलेटेड पेंटिंग बना लेते हैं। ये पेंटिंग एक बहुत क्यूट एंड इजी पेंटिंग है, और ये पेंटिंग पाकिस्तानी कल्चर से बहुत रिलेट करती है। यहाँ पर मैंने नाइट व्यू चूज किया है, और सबसे पहले मैंने इसके अंदर स्केच पेंसिल यूज करते हुए काऊ का एक रफ सा स्केच बना लिया था, और इसके बाद मैंने एक्रेलिक कलर यूज करते हुए स्काई पेंट किया। स्काई पेंट करने के बाद मैं वाटर कलर यूज़ करते हुए काओ में कलर करना स्टार्ट करूँगी। मैंने काओ की साइड में डार्क कलर रखा है और सेंटर में लाइट कलर रखा है, ताकि शेड्स कंट्रोल हो सकें और थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आ सके। मैं यहाँ पर पेंटिंग को ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाऊँगी। मैंने पेंटिंग को बहुत ईजी एंड सिंपल रखा है, ताकि जो भी बनाना चाहे वो बना सके। और यहाँ पर जो मैंने पेंसिल से रफ स्केच ड्रॉ किया था, और जहाँ जहाँ मैंने पेंसिल से डार्क कलर किया था, मैं वहाँ वहाँ डार्क कलर लगा रही हूँ, और बाकी रिमेनिंग प्लेस पे मैं लाइट कलर लगा रही हूँ। और उसी के साथ साथ मैं साइड में और डार्कर करती जाऊँगी, ताकि हमारी काओ का अच्छा सा लुक आ सके। और उसके बाद मैं एक मार्कर यूज़ करते हुए पूरी काओ को आउटलाइन करूँगी, और जहाँ जहाँ मैंने डार्कर शेड किया है, उधर मैं कुछ लाइंस डालूँगी, ताकि काओ का रियलिस्टिक लुक आ सके। और ये जो काओ के मैंने फेस पर बनाया है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, बट मैंने नोटिस किया है ये सिल्वर कलर का होता है, तो मैंने इसमें सिल्वर कलर किया है। और जहाँ जहाँ ब्लैक मार्कर से मैंने लाइन्स डाली थी, मैं उनको वापस से डार्कर करती जाऊँगी। और यहाँ पर जो मैंने नीचे सिल्वर कलर लगाया था, मैं उसके साथ काओ की रोप बनाऊँगी। उसके बाद मैं परमानेंट मार्कर यूज़ करते हुए इसको आउटलाइन करूँगी। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन इसमें काओ खाना खाती है, इतना तो मुझे पता ही है। और इसके अंदर मैं वाटर कलर करना स्टार्ट करूँगी, और जो सेंटर में रह जाएगी जगह, उसमें मैं सिल्वर कलर करूँगी। अब यहाँ पर मैं स्काई में कुछ लाइट्स दिखाऊँगी। यहाँ पर भी मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने एक्रेलिक कलर से एक लाइन ड्रॉ कर ली है, और उसके बाद मैं लाइट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। और उसी के साथ मैंने साइड में एक छोटा सा मून बनाया है, बिल्कुल जो कि आप लोगों को लाइट सा दिख रहा होगा, बट इसको मैं अभी डार्क कर दूँगी। और इसी के साथ मैंने लाइट्स के अंदर थोड़ा सा येलो कलर भी ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं स्काई में कुछ स्टार्स बना रही हूँ ज़ीरो साइज ब्रश यूज़ करते हुए, और एंड में वाइट कलर से जस्ट ईद उल अदा लिखकर अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करूँगी। ईद उल अदा लिखने के बाद मुझे अभी भी थोड़ी सी इनकम्प्लीट पेंटिंग लग रही थी, तो मैंने सोचा कि एंड में थोड़ी सी ग्रास ऐड कर देते हैं। टेप रिमूव करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पेंटिंग का फाइनल लुक। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई पेंटिंग। होप यू गाइज लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।